हेलो एवरीवन आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज़ प्रोटीन डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट लीजिए तो बहुत सारी मदर को कंफ्यूजन रहता है कि प्रोटीन रिच डाइट क्या है बिकॉज प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी मदर के लिए भी एज वेल एज फॉर द ग्रोइंग बेबी और वेजिटेरियन सोर्सेस प्रोटीन क्या क्या है वो मदर्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है उनके कौन कौन से रिच सोर्सेस है प्रोटीन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है तो आज उसके ही बारे में आज हम बात करेंगे साथ में ही मैं आपको एक बोनस टिप शेयर करूंगी रिगार्डिंग प्रोटीन तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा चैनल अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए तो श्योर से आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड मैं डॉक्टर मैत्री शाह एंड फाउंडर ऑफ माई डायरी हाई प्रोटीन डाइट यानी प्रेगनेंसी में जो कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए प्रिफरेबली तो ईच एंड एवरी सर्विंग में आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा तो ही दिन की डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी ईच एंड एवरी सर्विंग्स यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर इवनिंग स्नैक्स जो भी आपके अलग अलग टाइम पे जब आप फूड लेते हैं तो उसमें आ, कुछ ना कुछ पोर्शन प्रोटीन का ज़रूर से होना चाहिए तो ही आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी और प्रोटीन इतना ज़रूरी क्यों है नंबर वन इज़ कि एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है उसका फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन प्लेजम में मेजर रोल सेकेंड अगर जो मदर को हेल्दी वेट गेन करना है तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स और साथ में ही जो 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है तो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है उससे मदर विल्स आल्सो फील वेरी एनर्जेटिक थर्ड है अग बेबी के हेल्दी ग्रोथ के लिए और प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस है उस सब में प्रोटीन का बहुत रोल है यानी कि जैसे डैमेज टिश्यू है उनके रिपेयरिंग के लिए भी प्रोटीन चाहिए और बेबी के हेयर के लिए नेल्स के लिए मसल्स के लिए वो सब ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साथ में ही अगर जो इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसके लिए भी एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने में प्रोटीन ही हेल्प करता है इसीलिए बहुत सारे प्लेसेंटा ब्लड सप्लाई वो सब में भी हेल्प करता है दैट्स वाई प्रोटीन हैज अ मेजर रोल जो बहुत सारे मदर्स को काफ़ी टाइम तक पता नहीं रहता है सो so नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसका कैलकुलेशन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए सो so जो भी मदर का अभी रिसेंट वेट है इन किलोग्राम इंटू वन पॉइंट फाइव जो भी आंसर है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके दैट इज़ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ़ प्रोटीन फॉर द मदर फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी किलो वेट है मदर का तो इंटू वन पॉइंट फाइव विल भी इक्वल टू नाइन्टी ग्राम्स यानी नाइन्टी आएगा बट इट इज़ कन्वर्टेड इंटू नाइन्टी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उनकी डेली रिक्वायरमेंट रहेगी सो so, uh, अगर हम बात करें कि वॉट आर द रिच सोर्सेज तो सबसे पहले आएगा योगर्ट या तो दही नेक्स्ट इज़ वेजिटेरियन रिच सोर्स में आएगा आपकी दाल दाल में जैसे अड़द दाल है तुवर दाल है जैसे अरहर की दाल जिसको बोलते हैं और मसूर की दाल है तो ये सब दाल और बिग बिग बाउल दाल जो थोड़ी थिक होनी चाहिए वो आप लंच में ले सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स या डिनर में इन फॉर्म ऑफ चीलाज आप ले सकते हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा आपको खाने में नेक्स्ट आएगा पल्सिस और द Uh, कठोर जो हम बोलते हैं उसमें मूंग है मूंग की दाल है और चना है तो ये आप भिगो के भी खा सकते हैं इन फॉर्म ऑफ चाट और इन फॉर्म ऑफ सैलड्स आप ले सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सब्जी आप ले सकते हैं और छोले का यू यू कैन टेक इन फॉर्म ऑफ स्प्रेड्स थर्ड अगर हम बात करेंगे uh, तो वो है पनीर दैन नेक्स्ट कम ओट्स किनोवा वो सब दे आर ऑल्सो रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन उसके अलावा ग्रीन सब्जी में आपके ग्रीन पीस जैसे मटर है ब्रोकली है और नट्स है सोग्ड नट्स आप ले सकते आप आलमंड बटर ले सकते हैं नट्स में देन पीनट पीनट बटर आप ले सकते हैं फिर आप स्मूदीज में आप उसको डाल के ले सकते हैं सो so, मिल्क में आप उसको क्रश करके ले सकते हैं नेक्स्ट कम डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स दैट इज़ सनफ्लावर सीड चिया सीड फ्लैक्स सीड ये आप ऑल्टरनेट डे लीजिएगा सीड्स सो लास्ट में आएगा आपका प्रोटीन बार एंड प्रोटीन बिस्किट प्रोटीन पाउडर सो ये थोड़ा और एड ऑन कर सकते हैं टू रीच द टारगेट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ़ द प्रोटीन सो इफ वी सी इन अ फॉर्म ऑफ इंडियन थाली सो so मदर आपको ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी सर्विंग में आपका एक मेजर बड़ा पोषण प्रोटीन का डेफ़िनेटली होना चाहिए सो so, ये आपको पता चल गया कि कैसे इतियन थाली फॉर्म में आप डिफरेंट काइंड डिफरेंट सब्जी में बिग पोर्शन ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं लास्ट uh, में ही बोनस टिप शेयर करते हुए सबसे वन इज कि जो भी आप कठोर पल्स बीन्स जो भी भिगो तो उसको ऑलवेज कुक यानी कुकर में सीटी बजा के ही या उसको कुक करके ही आपको लेना है अगर जब स्प्राउट्स फॉर्म में भी ले रहे तो उसको कच्चा कभी भी नहीं लेना है नेक्स्ट इज नेवर ओवर कुक योर दाल और पल्स और बीन्स उसको प्रोटीन को कभी भी ओवर कुक नहीं करना है अगर जो आप ज्यादा सीटी बजाते उसको ज्यादा ओवर कुक करते हैं तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू जो उसका प्रोटीन का न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है सो so, ऑलवेज जो भी ऑप्टिमम है यानी जितना रिक्वायर्ड है उतना ही उसे ऑलवेज कुक कीजिएगा सो होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा और जितने भी आप प्रेग्नेंट वुमन जानते हैं तो उनको भी ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए तो उनको भी बहुत सी हेल्प मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड